आज का जो टॉपिक सर। है बेसिकली हमारे पास स्क्रू गेज का है, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास ये जो वर्नियर कैलिपर था और हमारे पास स्क्रू गेज है, ये हमारे पास दो टॉपिक लॉन्ग इस चैप्टर के कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में अगर लॉन्ग आता है तो ये दो लॉन्ग आते हैं, ठीक है, मोस्टली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर, मैंने प्ले ज्वाइन किया, बस ये बता रही थी कि अगर हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया तो आप उसी खुशी से बुला सकते हैं। जी, मैंने यहीं से अभी स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने वीडियो जो लेक्चर था, रिकॉर्डिंग, वो वर्नियर कैलिपर की अपलोड कर दी, आप वहाँ से देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो है स्क्रू गेज, और उसको हमने देखना है कि वो क्या होता है। सेम वही प्रोसीजर के थ्रू ही चलेंगे हम, जिस तरह हमने लास्ट टाइम वर्नियर कैलिपर को देखा था। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो स्क्रू गेज होता है वो सेम डायमीटर, रेडियस और लेंथ को डिटरमिन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसी भी स्मॉल लेंथ को, स्मॉल डायमीटर को, स्मॉल रेडियस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइकवाइज जैसा कि वर्नियर कैलिपर यूज़ किया जाता था। तो इसके थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, उसे क्या कहते हैं, उससे क्या होता है। जिस तरह वर्नियर कैलिपर में हमारे पास मेन स्केल था, वर्नियर स्केल था, ठीक है, आउटर जार्स थे, ठीक है, इनर जार्स थे, जो कि जॉर्स हमने देखे थे, वो वहाँ पे हमने बस यही थोड़ा कंस्ट्रक्शन थी। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको ये शेप नज़र आ रही है नीचे इस डायग्राम में, आप इजीली देख सकते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो फिक्स पोर्शन है, जिसको हम स्टड कहते हैं, ये हमारे पास फिक्स रहता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है स्पिंडल, और ये स्पिंडल बेसिकली हमारे पास क्या करता है, मूव करता हुआ इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। और इसके दरमियान में कोई भी चीज़ प्लेस कर सकते हैं, बड़ी चीज़ है तो इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, छोटी चीज़ है तो इसको पास कर लेते हैं। तो ये जो स्पिंडल है ये मूव करता रहता है, ठीक है, और स्टड मूव नहीं करता। वहाँ पे जो वर्नियर स्केल था वो मूव कर रहा था और मेन स्केल मूव नहीं कर रहा था। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लॉक है। लॉक का मतलब क्या हुआ, स्पिंडल को लॉक कर दिया जाता है ताकि वो फिक्स मूव ना हो, ठीक है। तो अगर मूव करना है तो इसको लॉक को हटाना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद स्पिंडल मूव होगा। और मूव कैसे होगा, वो विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलर स्केल होगा। यहाँ पे सर्कुलर स्केल है, ये रोटेट करता है। इसको रोटेट करते करते हम स्पिंडल को मूव कराते हैं ताकि वो किसी भी स्पेसिफिक, जिसमें सिलेंडर है, कोई वायर है, स्पेसिफिक शेप को पकड़ ले, उसको फिक्स कर ले अपने दो टर्मिनल के दरमियान, ठीक है। इसी तरह आप देखते हैं कि इसमें भी एक मेन स्केल है, जिसमें हमारे पास ये रीडिंग आपको दरमियान में नज़र आ रही है और स्ट्रेट होता है, डैट इज़ अ मेन स्केल, 0.5 लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये मेन स्केल होता है, इसके दरमियान वाली लाइन को हम इंडेक्स लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये सर्कुलर स्केल है जो कि मूव कर रहा होता है। और इसमें अगर डिवीजन आगे जाके देखेंगे भी सही, हमारे पास जो डिवीजन होती है, जिस तरह उसमें 10 डिवीजन थी वर्नियर पे और इसमें सर्कुलर पे, सॉरी, इसके सर्कुलर पे 100 डिवीजन होती है, ठीक है, और ये मूव करता है। यहाँ पे ये थिम्बल है, थिम्बल जिसके ऊपर से हम पकड़ के इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये है रैचेट, ठीक है। ये हमारे पास एट द एंड यहाँ पे प्लेस किया हुआ होता है। अब यहाँ पे ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन थी, जिसमें हमें पता है ये यू शेप्ड होता है, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे इस वर्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके लीस्ट काउंट की तरफ। जिस तरह हमने वर्नियर का लीस्ट काउंट देखा था, तो इसका भी एक फार्मूला है जो कि ये लिखा हुआ है। और लीस्ट काउंट मैंने कल भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ कि लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट डैट कैन आर डिवाइस कैन मेजर, ठीक है। एक डिवाइस स्मॉलेस्ट जितने भी मेजरमेंट ले सकता है वो हमारे पास लीस्ट काउंट कहलाता है। तो यहाँ पे हम स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट देखेंगे, उसका फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे देखो कि ऊपर हमारे पास क्या आता है, डैट इज़ अ पिच ऑफ द स्क्रू गेज। पिच का मतलब वही स्मॉलेस्ट रीडिंग, ठीक है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ द स्क्रू गेज, मतलब मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन को हम पिच कह रहे हैं यहाँ पे, इसको नाम दे दिया पिच, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल। वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे हमने पिच की जगह, वहाँ पे हमारे पास सबसे पहले
वर्नियर में भी स्मॉलेस्ट डिवीजन जो थी वो 1 मिलीमीटर थी, और यहाँ पे भी 1 मिलीमीटर ही है। नीचे डिवाइड में यहाँ पे बस चेंज हो जाता है 100 डिवीजन, वहाँ पे था 10 डिवीजन। ये मैच इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आसानी से याद हो जाए आपको। तो यहाँ पे देखोगे 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100, दैट गिव्स 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। और इसको अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 10 से डिवाइड करेंगे दैट गिव्स 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट है किसका, स्क्यू गज का। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट टाइप। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, वी आर कंसीडरिंग देयर इज अ वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गॉज। वर्किंग कैसे होती है, तो वर्किंग में उसमें हमने पहला स्टेप क्या था, हमारा पहला स्टेप वही था जीरो एरर को फाइंड कर। उसमें भी और इसमें भी वही है, जीरो एरर को सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले ही जीरो एरर डिस्कस कर लिया गया, सेम वही प्रोसीजर। अगर हमारे पास, क्योंकि इसमें दो स्केल हैं, कौन से हैं, एक है सर्कुलर स्केल जो कि ये नज़र आ रहा है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये वाला जो है ये मेन स्केल। उसमें क्या था, वर्नियर स्केल और मेन स्केल, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या होगा जीरो एरर को फाइंड करने के लिए, हमें टाटी जो स्टड और स्पिंडल है उसको टोटली पैक कर लेना है। जो स्टड और स्पिंडल थे उन दोनों को आपस में टाइटली पैक कर लेना है। तो हमारे पास जो जीरो है ऑफ सर्कुलर स्केल और जीरो है वो मेन स्केल, दोनों मैच करने चाहिए। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये आपस में बिल्कुल मैच कर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज मैच्ड विद द मेन स्केल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे कोई जीरो एरर नहीं है, ठीक है। जीरो एरर नहीं है तो हमें सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, अगर हमने यहाँ पे एरर मौजूद है तो उसमें भी दो टाइप्स हैं कि हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आएगा और नेगेटिव जीरो एरर आएगा। तो पॉजिटिव जीरो एरर को फाइंड करने के लिए हमें जिस तरह उसमें देखा था, उसमें क्या था, राइट साइड पे होना पॉजिटिव कहलाता है और लेफ्ट साइड पे होना नेगेटिव कहलाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जीरो जब पॉजिटिव होता है तो इसमें आपने याद रखना है बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, जो सर्कुलर का जीरो है, सर्कुलर का जो जीरो है वो आपको यहाँ पे देखो नजर नहीं आ रहा, ठीक है, और जीरो ऑफ द मेन स्केल ऊपर है और जो सर्कुलर का है वो यहाँ पे नीचे की तरफ है, बिहाइंड है, पीछे है, छुपा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है। इंडेक्स लाइन क्या होती है, जो कि मैंने बताया था ये स्ट्रेट लाइन दरमियान में जो होती है मेन स्केल में, ठीक है, उससे हमारे पास बिहाइंड है जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, तो उससे हम कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अगर नेगेटिव की बात की जाए तो हमारे पास नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव डी विद द इंडेक्स लाइन दैट इज क्रॉस्ड, वो गुजर चुकी होती है। मतलब क्या हुआ, ये देखो आपके पास जीरो ऊपर है इंडेक्स लाइन से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वो क्रॉस्ड कर चुकी है, उसको जीरो को क्रॉस करके ऊपर जा चुकी है, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, पॉजिटिव कब होगा, जब बिहाइंड होगा नीचे की तरफ देखो, ठीक है, जीरो नीचे की तरफ चला गया उसको पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे, और नेगेटिव क्या होगा, अगर वो ऊपर चला जाएगा जीरो, दैट इज क्रॉस्ड कर लेगा उस जीरो को ऑफ मेन स्केल के जीरो को वो क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो दैट इज अ नेगेटिव जीरो एरर। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन सर, ये अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव है, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव है, बट जीरो न्यूट्रल नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता। नहीं, वो आप दूसरे कॉन्सेप्ट, मैथ के कॉन्सेप्ट में लेके जा रहे हो, ठीक है, जीरो न्यूट्रल के ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जीरो, हम जीरो की जगह कहाँ पे आ रही है, तो जीरो ही ना, जीरो देखो इस लाइन से अगर बिल्कुल जीरो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं तो उसको हम कोई जीरो एरर नहीं कहते। अगर वो जीरो ही थोड़ा सा नीचे चला गया, मैच नहीं कर रहा, लाइन मैच नहीं कर रही, तो वो हम क्या कहते हैं, वो नीचे चला गया, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। हम उस चीज को, एरर को पॉजिटिव कह रहे हैं, हम जीरो को पॉजिटिव नहीं कह रहे। ओके सर, मतलब कि नीचे रहेगा तो पॉजिटिव, ऊपर है तो नेगेटिव। हां जी, उस एरर को पॉजिटिव और नेगेटिव कह रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, इसका भी वर्नियर कैलिपर का, जैसे आपने कल बताया था कि उसकी फिर एग्जैक्ट रीडिंग लेने के लिए अगर कोई एरर आ रहा है तो फिर हम रीडिंग में डिडक्शंस वगैरह करते हैं, इसमें भी सेम जाएगा?
जी सेम, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है पॉजिटिव और नेगेटिव का। जिस तरह वहां पे हमने देखा था, अगर एरर हमारे पास क्या है, देयर इज एरर इज पॉजिटिव, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव एरर है, तो करेक्शन जब की जाती है कैलकुलेशन में, टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर वी हैव टू माइनस इट, वी हैव टू सबट्रैक्ट इट पॉजिटिव के लिए। और इसी तरह अगर मैं देखूं कि हमारे पास नेगेटिव में देखा जाए, नेगेटिव जीरो एरर आ रहा है, तो वी हैव टू करेक्ट इट बाय एडिंग दैट एरर, उतना ही एरर हमें वहां पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जीरो एरर था। अब चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। में हमारे पास ये कुछ स्टेप्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, लास्ट टाइम उस स्टेप में नहीं था वर्नियर कैलिपर, यहाँ पे मैंने स्टेप्स बना के लिखा हुआ है ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाए इसको इक्वेज के। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड स्टड, सेम वही प्रोसीजर हमने क्लोज कर लेने हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को जीरो को चेक करना है, वहाँ पे जीरो एरर है या नहीं है वो आपने देखना है सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप, ओपन द गैप बिटवीन द स्टड एंड स्पिंडल ऑफ द स्क्रू गेज एंड टर्निंग द रैचेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लेस द गिवन वायर। तो बेसिकली हमारे पास जो रैचेट है वो हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस मूव करता है, ठीक है, लेकिन अगर सर्कुलर स्केल को पूरा घुमाने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा मूव करता है, ठीक है। जो रैचेट है वो स्टेप बाय स्टेप मूव करता है, मतलब बहुत स्मॉल डिस्टेंस मूव करता है, जैसे जैसे रोटेट करोगे वो स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस मूव करता जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि उसके दरमियान में कोई भी वायर प्लेस कर देते हैं या कोई भी सिलेंडर प्लेस कर देते हैं जो कि स्पिंडल और स्टड के दरमियान, फिर हम रैचेट को मूव करते हैं ताकि ये हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता वो जो भी वायर है या सिलेंडर पड़ा हुआ है प्लेस किया हुआ है जिसका हमने डायमीटर फाइंड करना है या लेंथ फाइंड करनी है, वो हमारे पास आहिस्ता से प्रेस हो जाए, जेंटली प्रेस हो जाए यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये तीसरे स्टेप तक किसी को ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, सर रिपीट कर देंगे एक दफा प्लीज। जी, फर्स्ट स्टेप, देयर इज अ फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड स्टड फॉर फाइंडिंग द जीरो एरर, ठीक है। जो हमारे पास पहले दो स्टेप में बताया गया है कि हमने स्टड और स्पिंडल को इतना टाइट कर देना है ताकि हमारे पास जीरो एरर वहाँ पे देख सकें, अगर है तो उसकी करेक्शन करनी होगी, वो करेक्शन हम लिख लेंगे, अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वेल एंड गुड, और हम मूव करेंगे फॉरवर्ड स्टेप की तरफ, थर्ड स्टेप की तरफ, ठीक है। ये हमारे पहले दो स्टेप थे। तीसरे स्टेप में वी हैव टू मूव द स्पिंडल, ठीक है, बैकवर्ड, हम उसके ओपन करेंगे और हमारे पास उसके दरमियान में वायर प्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ रैचेट। तो रैचेट हमारे पास क्या है, बेसिकली वो स्पिंडल को मूव कर रहा है स्लोली, ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं कर रहा, स्लोली मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पिंडल के दरमियान में, स्टड के दरमियान में हमने एक वायर प्लेस करनी है जिसका हमने डायमीटर या लेंथ मेजर करनी है, और रैचेट को दोबारा हमने मूव करना है ताकि वो स्पिंडल, जो स्पिंडल और स्टड के दरमियान में जो भी चीज़ प्लेस है उसे प्रेस कर ले, उसे टाइटली पैक कर ले, ओके ओके सर। नेक्स्ट वेलकम। फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या है, नोट द मेन स्केल रीडिंग। हमने वहाँ पे भी वर्नियर में भी हमारा पहला स्टेप क्या था, वी हैव टू टेक द जीरो एरर, हमें जीरो एरर देखना है पहला स्टेप, ठीक है। दूसरे स्टेप हमारे पास क्या था उसका भी, वी हैव टू मेजर द मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे भी देखो, नोट द मेन स्केल एज वेल एज सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो पहले, सबसे पहले क्या है, मेन स्केल की रीडिंग नोट करना, दूसरे तीसरा जो स्टेप होगा उसमें हमने सर्कुलर की रीडिंग नोट करनी है। अब रीडिंग कैसे नोट करनी है वो बताता हूँ। अगर मेन की रीडिंग नोट करनी है, जिस तरह मैंने बताया था कि यहाँ पे हमने सपोज यहाँ पे कोई सिलेंडर प्लेस किया गया, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रीडिंग क्या नज़र आ रही है, डेट इज़ 5.1। सबको अगर मेन स्केल पे रीडिंग जो नज़र आ रही है वो 5.1 नज़र आ रही होगी, यस हाँ, जो आपको सी हो रही है, मतलब जो आपको आंखों से दिख रही है वहां तक आपने रीडिंग नोट कर लेनी है। जैसे ये 5.1 आपको शो की जा रही है तो यहाँ पे 5.1 मेन स्केल की रीडिंग आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। अब आपने देखना है कि कौन सी सर्कुलर की रीडिंग इस इंडेक्स लाइन से मैच हो रही है, ठीक है, कौन सी सर्कुलर की रीडिंग इस इंडेक्स लाइन से मैच हो रही है, डेट इज अप्रोक्सीमेटली 70,
ये होगी हमारे पास सर्कुलर की रीडिंग. यस सबको नजर आ रही है, यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो ये 70 पे मैच हो रही है जाके. यस सर. तो सर्कुलर की रीडिंग भी हमने नोट कर ली. तो फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जिस तरह वहां पे वर्नियर की थी, यहाँ पे सर्कुलर की रीडिंग है. तो चौथे में हमने क्या करना होता है, इस सर्कुलर स्केल की, सीएस लिख रहा हूँ सर्कुलर स्केल, मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट के साथ. तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाएगी जिसको हम सपोज करते हैं ए है वो. ठीक है, कोई वैल्यू होगी उसको ए कह देता हूँ. तो हमने क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में ए को ऐड कर लेना है मेन स्केल की रीडिंग के साथ. तो ये हमारे पास वो आंसर होगा जो डायमीटर का होगा. ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ गया विदाउट एरर. अगर एरर मौजूद है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पॉजिटिव है या नेगेटिव. ठीक है, वो सिक्स स्टेप हो जाएगा जिसमें हमने एरर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर. तो ये स्टेप हमने 3 दफ़ा रिपीट करना होता है कोई भी मेजरमेंट को लेने के लिए, ताकि कोई एरर अगर फिर भी बच जाता है तो उसका एवरेज ले लिया जाए, ताकि एग्जैक्ट और एग्जैक्टनेस हमारे पास आ जाए, एक्यूरेसी आ जाए. ओके सर. थैंक्स. जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं. सर ये भी मेजर करने के काम आता है ना? जी जी ये भी मेजर करने के काम आता है, लेंथ को, डायमीटर को या रेडियस को. थैंक यू सर. ये सर्कुलर रीडिंग वाला आप एक्सक्यूज मी सर कर सकते? एक मिनट मरियम, आपका क्वेश्चन था पहले. यस सर, आई वाज आस्किंग आप ये सर्कुलर रीडिंग वाला रिपीट कर सकते हैं पार्ट प्लीज. जी, इन सर्कुलर रीडिंग वी हैव टू टेक द रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल वेयर इट इज मैच्ड विद इंडेक्स लाइन. तो ऐसी रीडिंग आपने नोट करनी है जो इंडेक्स लाइन के साथ मैच हो रही है. सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट करनी है लेकिन वो इंडेक्स लाइन के साथ जो मैच हो रही है उसके साथ आपने रीडिंग नोट करनी. यहाँ पे काफ़ी मैंने कर दिया, आप देख सकती हैं कि जो इंडेक्स लाइन है वो 70 के साथ मैच कर. ठीक है, मैं यहाँ पे आप कहती हैं तो मैं जूम भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं. ओके सर. ठीक है, देयर इज 70. तो ये हमारे पास वो रेटिंग होगी सर्कुलर स्केल की. जी आई थिंक सो हसन का क्वेश्चन था. यस सर, मुझे एक जगह जाना है तो मैं काइंडली अपनी अटेंडेंस लगा देंगे. ठीक है, मैं अटेंडेंस अभी ले लेता हूँ, बाकी जिसने क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है मुझसे. क्योंकि आज ही हमने करना था, कल वर्नियर के लिए था, आज हमारे पास क्यू गेज है, इसके बाद कुछ हमारे पास और मेजरमेंट डिवाइसेस आएंगी जिसमें स्टॉप वॉच आएगा. तो मुझे बता सकते हैं कि किस किस को पता है स्टॉप वॉच क्या होता है? सर मैं जा सकता हूँ? यस यू कैन लीव. ओके सर, थैंक यू. Yes. जी अफाक. सर आपकी कुछ छोटा यानी टाइम लिमिट है उसके मतलब कि सेट करके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़का मतलब रनिंग के लिए वो स्टॉप वॉच लगा के भागता है, वो मतलब नोट कर सकते हैं कि मैंने इतने टाइम में कितना सफर तय कर लिया. यस, ये भी एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हमारे पास ये मोस्टली डिजिटल स्टॉप वॉच में अवेलेबल होता है, जिसमें आप एक टाइम को सेट कर देते हैं कि टाइम लिमिट सेट कर देते हैं कि यहाँ तक आपने मतलब रनिंग करनी है, सपोज 8 मिनट या 4 मिनट या 3 मिनट या 1.5 मिनट, जिस तरह आपको सूटेबल होता है आप उस हिसाब से रनिंग करते हैं. तो अक्सर ये चीज़ रनिंग के वक्त ही देखी जाती है, स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है, या आपके पास फुटबॉल जब टीम मैच हो रहा होता है उसमें भी स्टॉप वॉच लगाई जाती है, या कोई भी इस तरह के मैच हो रहे होते हैं ठीक है उसमें स्टॉप वॉच यूज़ की जाती है. तो देर आर मेनली टू टाइप ऑफ स्टॉप वॉच, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है इलेक्ट्रिकल, तो डिजिटल जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो जी हसीन. सर ये ज़्यादातर मेरे ख्याल में तो रनिंग रेसेस में भी इस्तेमाल होती होगी, मतलब कि जब रेस लगती होगी रनिंग रेस.
जी, रनिंग रेस लग रही होती है तब भी ये स्टॉपवॉच यूज हो रही होती है, तो हम टाइमर लगा देते हैं तो फिर वो देर तक, फिर वो जब अपने टाइम तक पहुंच जाती है तो फिर वो होता है। यस यू आर राइट। थैंक यू सर। ये जो टाइमर होता है ये कह सकते हैं कि स्टॉपवॉच से टाइमर, यस यू कैन, बट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, टाइमर भी यही चीज़ है हमारी। लेकिन टाइमर कुछ जगहों पे ना, कुछ जगहों पे इस तरह होता है ना, जिस तरह आपके वो माइक्रोवेव ओवन यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली घरों में, यूज़ कर रहे भी हो रहे होंगे, उसमें टाइमर लगा होता है। उसमें टाइमर क्या होता है कि आप 2 मिनट टाइम लगा देते हैं, 2 मिनट के बाद वो खाना गर्म होके रुक जाती है वो, उसकी जो प्लेट होती है। तो बेसिकली ये भी वही टाइमर ही कॉन्सेप्ट किया जाता है कि ये स्टॉप वॉच ही है जो कि हमारे पास टाइम को देखते हुए रुक जाती है। यस सर। ओके सर, थैंक यू। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टॉप वॉच। तो अभी जस्ट मैं स्टॉप वॉच को थोड़ा सा डील कर रहा था, तो ये हमारे पास बुक आपको नज़र आ रही होगी, नेशनल बुक फाउंडेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टॉप यस वॉच, सर। ठीक है, इसमें 2 किस्म की हैं, डेट इज़ मैकेनिकल स्टॉप वॉच जिसको हम एनालॉग कहते हैं, इसमें डायल होता है, डायल पुराने ज़माने में ये यूज़ की जाती थी, ठीक है, इसकी शेप शायद बनी हो यहाँ पे, ये सबसे लास्ट पे देखें लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ये इस तरह की होती है। इसमें हमारे पास 2 और 3, 3 यहाँ पे स्विचेस होते हैं। नंबर 1 यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस वाले से हम स्टॉप करेंगे, या लेफ्ट वाले से स्टॉप करेंगे या राइट वाले से स्टॉप करेंगे, और लेफ्ट वाले से अगर एक से स्टॉप हो रहा है दूसरे से हमारे पास रीसेट होगा। दरमियान वाले से स्टार्ट यस करते सर। हैं, एक साइड से हमारे पास रीसेट होता है, एक साइड पे हमारे पास क्या होता है स्टॉप, ठीक है। हम जब यस स्टार्ट करेंगे फिर उसके बाद स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप करने के बाद रीसेट का बटन दबाना पड़ेगा ताकि दोबारा वो इनिशियल कंडीशन पे आ जाए, दोबारा 0 पे आ जाए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये डिजिटल स्टॉप वॉच आ रही है जो आजकल मोस्टली यूज़ की जाती है, ठीक है, मोस्टली जगह पे यही चीज़ यूज़ की जाती है। इसमें टाइम भी होता है, इसमें बेसिकली डेज वाइज भी लिखा हुआ है, ऊपर नज़र आ रहा है आपको डेज भी लिखे हुए हैं, ठीक है, टाइम भी होता है। इसमें हमारे पास दरमियान वाला बटन है, यहाँ से स्टार्ट होगा जिसमें एस लिखा हुआ है, ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे डी है इसे हम स्टॉप करेंगे, और एम से हम इसको क्या करेंगे दोबारा रीसेट कर देंगे। तो ये भी वही प्रोसीजर के थ्रू स्टॉप सर, वॉच वर्किंग कर रहा होता है। यस प्लीज क्वेश्चन। ये ऐसे क्या करेंगे? एस स्टार्ट, ओके सर, थैंक स्टॉप यू। वॉच को स्टार्ट करना हो तो आप एस से स्टार्ट करेंगे, राइट बटन बटन से, ओके सर। ठीक है, डी से स्टॉप करके और एम पे आपने क्या करना है उसको रीसेट कर देना। सर, ये जो ए वाली है ये मतलब पुराने जमाने की है, और ये जो जी नई इसको वाली एनालॉग है ये कहते पी वाली है, और ये मतलब डिजिटल है। हैं, वाली डिजिटल है, बिल्कुल यही हमारे पास 2 किस्म की स्टॉप वॉच यूज की जाते हैं। कोई क्वेश्चन और? नो सर। जी यहाँ पे सर यस प्लीज, सर क्वेश्चन नहीं है बट इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास यही है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच एंड कैन यू डिस्क्राइब एनी वन या एनी टू, ठीक है। इसमें के शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली पूछे जा सकते हैं, मतलब ज़्यादातर नहीं पूछे जाते लेकिन कभी कभार बोर्ड में आ जाते, ओके सर। ठीक है। वैसे भी हाउ नाउ तो है ना आपको स्टॉप वॉच की, तो यहाँ पे मेरा मकसद यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाना रट्टा लगाना नहीं है। यहाँ पे मेरा फिजिक्स पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ स्टडी हो। तो आपने अभी खुद ही मुझे चीज़ें बताई हैं कि एनालॉग में डायल बटन डायल होता है, मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, रीसेट होता है, सेट होता है, सेम स्टार्ट होता है, रीसेट होता है और स्टॉप होता है। इसी तरह डिजिटल में वही चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, किस लिए यूज़ किया जाता है वो हमने देख लिया, रेसिस वगैरह के टाइम नोट करने के लिए एज अ टाइमर यूज़ किया जाता है, ठीक है, मल्टीपर्पज़ यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको बस कॉन्सेप्चुअल वाइज याद होनी चाहिए, बाकी आप देख लें इसको, देख ओके रीड कर लें, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। सर, मुझे एक चीज़ में बड़ी कंफ्यूजन थी कि यस ये जो पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं ये भी एक वॉच यूज़ करते हैं जिससे सिम्टम मतलब पता चलता है सिम्टम के हमने किस रास्ते पे जाना है, तो जी वो वो कौन सी वॉच बेसिकली होती है? वो वॉच आप वो कह रहे हैं डायरेक्शन के लिए यूज की जाती है, जी
हाँ डायरेक्शन पर्पज़ के लिए जो यूज़ की जाती है, कोई आप सफ़र पे जा रहे हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट ये आपको डिटरमिन करता है, ठीक है। वो बेसिकली हमारे पास एक स्केल होता है, वो वॉच नहीं होती, ठीक है, वो कंपस कहते हैं उसे, उसे हम कंपस कहते हैं। वो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये चारों डायरेक्शन को वो हमें शो करवा रहा होता है कि किस डायरेक्शन में हम मोस्टली ना उसकी जो नीडल होती है ना वो नॉर्थ और साउथ के दरमियान में हमें रखनी होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको मेज कर देते हैं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ हमारे पास कहाँ से आता है वो भी बता दूं आपको, मैग्नेट से आता है। तो आपको ये होगा कि मैग्नेट कहाँ से बना हुआ है, तो अर्थ के अंदर आपको पता है पोल्स होते हैं, अगर शायद पता हो जी। तो अर्थ में पोल और इक्वेटर्स होते हैं, तो पोल जो है वो नॉर्थ और साउथ ही है, जैसा मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं इसी तरह अर्थ के भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कंपस में शो की जा रही होती है विद द हेल्प ऑफ दैट पोल। ओके सर।